नमस्कार दोस्तों, तो आईपीएल 2024 के मोस्ट अवेटेड मुकाबले बेंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच हो चुका है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी क्विक मैच था भाई। मुंबई ने तो कमाल कर दिया और किसकी शिकस्त हुई, किसने कितने रन मारे, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। पर आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक दे देना प्यारा सा। तो दोस्तों, आज के मैच में पहले टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग करने का डिसाइड किया और ये डिसीजन उनका सही भी रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि पहली इनिंग के बाद ड्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उन्हें बैटिंग करने में आसानी होगी। तो इसलिए शुरुआत करने आते हैं विराट कोहली और कप्तान फैफ डू प्लेसिस बेंगलोर के। और सबसे बड़ा झटका लगता है आज के ओपनिंग में बल्लेबाज विराट कोहली के आउट होने के बाद। 14 रन पर पहला विकेट गिरता है विराट कोहली का और विराट कोहली को भाई बुमराह ही आउट करते हैं। आज जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग कुछ अलग ही अंदाज में थी, उसे 3 रन बना के पवेलियन लौट गए। उसके बाद आते हैं जैक्स और वो भी कुछ ज़्यादा साथ नहीं दे पाते फैफ डू प्लेसिस का, वो भी 23 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरता है और जैक्स भी सिर्फ 8 रन बना के पवेलियन लौट जाते हैं 2 चौके मार के। उसके बाद आते हैं रजत पाटीदार और रजत पाटीदार और फैफ डू प्लेसिस के बीच में साझेदारी होती है। ऐसा लग रहा था कि अब ये दोनों साझेदारी टीम को एक अच्छा टोटल स्कोर दे सकती हैं और दोनों ही लंबे चौके छक्के लगाने में लगे थे। सिर्फ जसप्रीत बुमराह को छोड़कर हर बॉलर की पिटाई आज लग रही थी, सब पे चौके छक्के बरसाए जा रहे थे, हवाई यात्रा करा रहे थे। और इसी बीच टीम का स्कोर पहुंचता है 100 से पार और 105 पे तीसरा विकेट गिरता है रजत पाटीदार का। उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, 26 गेंदों में 50 रन, 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 192 की स्ट्राइक रेट के साथ वो भी कोटजे की गेंद पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल और यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगता है फिर से एक बार बेंगलोर के फैंस को। ग्लेन मैक्सवेल बिना एक भी रन बनाए 108 पे चौथा विकेट गिरता है। ग्लेन मैक्सवेल डक पे ही पवेलियन लौट जाते हैं 4 गेंद खेलकर। उसके बाद आते हैं दिनेश कार्तिक और जो काम ग्लेन मैक्सवेल ने छोड़ा था वो काम करने आते हैं दिनेश कार्तिक, क्योंकि दिनेश कार्तिक हमेशा 6 या 7वें नंबर पर आते हैं पर उनकी बल्लेबाजी काफ़ी तगड़ी रहती है। वो हमेशा सूझबूझ के साथ रन बनाते हैं, वो फैफ डू प्लेसिस के साथ फिर से रन जोड़ना स्टार्ट करते हैं और टीम का स्कोर 150 से पार पहुँचता है और 5वां विकेट गिरता है यहाँ पर 153 के स्कोर पर। और फैफ डू प्लेसिस जो कि हाफ सेंचुरी बना चुके थे 61 के स्कोर पर 40 बॉलों में 4 चौकों 3 छक्कों की मदद से वो भी पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद आते हैं महिपाल लोमरो साथ देने पर, वो भी भाई कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाते और जो बुमराह है ना हमारे उनको LBW कर देते हैं उसके अगली गेंद पर और यहाँ पर हैट्रिक चांस होता है बुमराह के पास। और फिर इसके बाद आते हैं चौहान दिनेश कार्तिक के साथ देने और उसके 2 ओवर बाद ही फिर से बुमराह की गेंद पर ही चौहान भी 9 रन बना के पवेलियन लौट जाते हैं 8 गेंदों में। और अभी होते हैं दिनेश कार्तिक और कुमार और इस समय टीम का स्कोर होता है 170 रन पे 7 विकेट 18 ओवर 3 गेंदों में। और उसके बाद कुमार भी आउट हो जाते हैं डक पे ही 170 के स्कोर पे, ये भी बुमराह के। और इसके साथ बुमराह के 5 विकेट पूरे होते हैं आज के मैच में और क्रीज पर होते हैं आकाशदीप और दिनेश कार्तिक। और इस तरह टीम टोटल स्कोर खड़ा करती है 196 का दिनेश कार्तिक के बल्ले की बदौलत, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने आखिरी ओवर में खूब रन पेले और आकाश मडवाल ने 4 ओवर में 57 रन पेल दिए और दिनेश कार्तिक ने आज बनाए 23 गेंदों में सिर्फ 53 रन, 22 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 ठोक दी थी 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से और टीम को स्कोर दिया टोटल 197 रन का टारगेट। मुंबई की तरफ से कोटजे ने 1, मढ़वाल और गोपाल ने 1 और बुमराह ने 5 विकेट लिए से 21 रन देकर 4 ओवरों में। इसके बाद मुंबई की शुरुआत करने आते हैं ईशान किशन और रोहित शर्मा और एक फास्ट स्टार्ट देते हैं, क्योंकि बेंगलोर के गेंदबाजों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई इन दोनों बल्लेबाजों का तोड़ क्या है, किस तरह से यहाँ विकेट ले जाए। पर दोनों ही भाई बिल्कुल नहीं रुकते और अपनी रनों की बरसात जारी करना शुरू रखते हैं और 50 रन काफ़ी तेज़ी से बना लेते हैं 3 ओवरों में। और इसके बाद 100 का रन का आंकड़ा ही पार होता है सिर्फ 8 ओवरों में और 101 पे पहला विकेट गिरता है ईशान किशन का, जो कि काफ़ी फास्ट खेल रहे थे और वो भी 69 रन मार के 34 गेंदों में 7 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 200 के से ज़्यादा के स्ट्राइक के साथ वो भी आकाशदीप की गेंद पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव और सूर्य कुमार यादव का पिछला मैच तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, वो कुछ ज़्यादा बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए थे पर वो कुछ अलग ही मोड में थे क्योंकि उनकी फैमिली भी आई थी मैच देखने, तो वो तो आज बिल्कुल चौके छक्के की रनिंग की बरसात जारी करना स्टार्ट कर देते हैं। 139 पे दूसरा विकेट गिरता है रोहित शर्मा का, रोहित शर्मा 38 रन बना के 24 गेंदों में 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से वो भी पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव मुंबई को जीत की तरफ और आगे ले जाते हैं और जीत की सीढ़ियाँ बहुत तेज़ी से चढ़ते हैं और 176 पे यहाँ पर तीसरा विकेट गिरता है। जैसे ही सूर्य कुमार यादव अपनी 50 पूरी करते हैं वो विकेट थमा देते हैं और उन्होंने 52 रन बनाए और सिर्फ 19 गेंदों में 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 273 से भी ज़्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ। इसके बाद है तिलक वर्मा पर अब जीत तो मुंबई के दरवाजे आ चुकी थी और इसके साथ हार्दिक पांड्या 15 ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का ठोक देते हैं और 199 रन टोटल हो जाते हैं और 7 विकेट से मैच जीत चुकी थी मुंबई इंडियंस की टीम। तो काफ़ी
तगड़ा मुकाबला था मुंबई इंडियंस और आरसीबी दो बड़ी टीमों के बीच में, पर आज आरसीबी का दिन बिल्कुल भी नहीं था। इसके साथ मुंबई इंडियंस 7वें नंबर पे पहुंच गई पॉइंट्स टेबल में और आरसीबी पहुंच गई है 9वें नंबर पे। तो भाई बहुत ही क्रूशियल मुकाबला था आज का। पर दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताना कि इस साल का आईपीएल कप कौन जीत सकता है, और वीडियो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना।